अस्सलाम वालेकुम। इस वीक का हमारा जो मेन टॉपिक था वो था फाइल हैंडलिंग। तो इस वीक के लेक्चर जो थे वो हमने एक एग्जांपल से स्टार्ट किए थे। उस एग्जांपल में हम स्टूडेंट्स के नेम्स यूजर से इनपुट करवा रहे थे और उन्हें कंसोल पर डिस्प्ले करवा रहे थे। तो इस कोड को देखने के बाद हमने इसकी लिमिटेशंस देखी थी। हमारे पास इसमें फर्स्ट लिमिटेशन ये थी कि जब हम एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कंसोल से इनपुट करवाते हैं तो वो जो है बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसके बाद हमारे पास एक लिमिटेशन ये है कि जब हमने एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा कंसोल पर डिस्प्ले करवाना होता है तो वो भी कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं होता। और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि जैसे ही हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होता है तो हमारे पास वो सारा डाटा जो है वो मेमोरी से डिलीट हो जाता है। तो इन सारी लिमिटेशंस का जो सोल्यूशन हमारे पास है वो है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में हमने देखा कि हमने जब फाइल में किसी में डाटा स्टोर करना होता है तो वो एक 5-step प्रोसेस है। उसमें सबसे पहला हमारे पास स्टेप जो है वो ये है कि हम एफ स्ट्रीम की लाइब्रेरी जो है वो इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हम फाइल स्ट्रीम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उस वेरिएबल के थ्रू हम अपनी फाइल जो है वो ओपन करते हैं और फिर जो हमारे पास डाटा होता है वो हम उस फाइल वेरिएबल के थ्रू उस अपनी जो फाइल होती है उसमें स्टोर करवा देते हैं और फाइनली हम उस फाइल को क्लोज कर देते हैं। और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि जो फाइल आप बनाते हैं वो सेम उसी डायरेक्टरी में बनती है जहाँ पे आपकी फाइल जो सीपीपी फाइल होती है वो स्टोर होती है। तो इसके बाद जो है हम सेकंड लेक्चर पे अपने मूव कर गए थे, जिसमें हमने मेन था कि अब हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि हमने फाइल में डाटा राइट कैसे करना है। तो सेकंड लेक्चर में हमने वो एग्जांपल देखी जिसमें हमने जो फर्स्ट लेक्चर में डाटा अपना फाइल में रीड स्टोर किया था, अब हम सेकंड में उस फाइल से वही डाटा जो है वो रीड करके कंसोल पे डिस्प्ले करवा रहे थे। और इसमें जो है हमने दो न्यू फंक्शंस देखे थे। फर्स्ट जो था वो गेट लाइन था, जिससे हम अपनी फाइल की एक एक लाइन जो है वो गेट कर रहे थे। और सेकंड हमने देखा था एंड ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल से हम क्या कर रहे थे कि पूरी फाइल जो है वो एट अ टाइम हम रीड कर रहे थे। और फिर हमने इसमें एक एग्जांपल देखी थी जिसमें हमारे पास 5 names से अपनी एक फाइल में स्टोर और हम वन बाय वन उन सारे नेम्स को जो है वो फाइल से रीड करके कंसोल पे डिस्प्ले करवा रहे थे। और हमारा थर्ड लेक्चर जो था उसमें हमने एक प्रोग्राम देखा था जिसमें हमारे पास जो सारा डाटा था वो एक फाइल में सेव था। उसमें हर लाइन जो थी वो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड थी और उसके 4 different fields थे और हर फील्ड जो था वो कॉमा से हमने सेपरेट किया हुआ था। तो हमने फिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखा जिसमें हम उन सारे फील्ड्स को और सारे रिकॉर्ड्स को जो है वो रीड करके फाइल से अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा रहे थे। तो नेक्स्ट, अब हमने जो चैलेंजेस अपलोड किए हुए थे उसका जो 5th problem है, अब हम उसका सोल्यूशन जो है वो देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 हमें ये कह रही है कि कामयाब लाइफ ने एक ऑटोनॉमस पिज़्ज़ा डिलीवरी ड्रोन्स का एक नेटवर्क लॉन्च किया है और वो जो है ना एक फ्लेक्सिबल रिवॉर्ड सिस्टम बनाना चाहता है जिसको हम फ्यूचर में चेंज भी कर सकते हैं। तो उसने रूल्स बताए हैं। रूल्स कहता है कि सिंपल हैं। सबसे पहले उसने कहा है कि अगर आपके पास एक कस्टमर है जिसने एटलीस्ट n ऑर्डर्स जो हैं वो प्लेस किए हुए हैं, और इसका मतलब उसने n ऑर्डर्स किए हुए हैं और उसमें जो ऑर्डर्स हैं उसमें एटलीस्ट उसने y प्राइस जो है ना वो दी हुई है, तो हमने उसको एक फ्री पिज़्ज़ा देना है। तो अब ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास customers.txt फाइल के अंदर पड़ी हुई है और उसने बताया है कि किस फॉर्मेट में पड़ी हुई है। सबसे पहले उसने कहा है कि आपके पास कस्टमर का नाम होगा, फिर उसके बाद आपके पास स्पेस होगी और उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे जितने उसने ऑर्डर्स दिए हुए हैं, और फिर उसके बाद आपके पास स्पेस के बाद ब्रैकेट्स के अंदर जितने उसने ऑर्डर्स दिए हैं उन सारे ऑर्डर्स की प्राइस होगी। तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास एक सैम्पल टेक्स्ट फाइल है कस्टमर्स के नाम से। उसमें उसने बताया हुआ है कि पहला जो नाम है वो आपके पास कस्टमर का नाम है, फिर स्पेस है, फिर उसके बाद जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास जितने उस कस्टमर ने ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं वो ऑर्डर्स हैं, उसके बाद आपके पास ये ब्रैकेट्स के अंदर जो आ रहा है डाटा कॉमा सेपरेटेड, उसके अंदर आपके पास प्राइस है हर ऑर्डर की, मतलब ये कि उसने जो फर्स्ट ऑर्डर दिया उसकी प्राइस उसकी थी 22, उसके बाद उसने सेकंड ऑर्डर किया उसमें उसने जो बाय किया चीज़ें वो उसकी 30 प्राइस थी, और इस तरह टोटल 8 orders की 8 prices इसके अंदर आ रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आपके पास अगला कस्टमर है, उसका नाम अगर स्पाइडरमैन है तो उसने जो है वो आपके पास 10 orders प्लेस किए हैं और उससे रिलेटेड प्राइस आपके पास जो है इन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आ रही है। तो अब उसने कहा क्या कहा है, उसने कहा है कि आपका काम यह है कि आपने एक फंक्शन बनाना है जो कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपसे ले और मिनिमम ऑर्डर प्राइस ले और फिर उसके बाद सी आउट करे वो कस्टमर का नाम
जो कि एलिजिबल है फॉर पिज्जा, फ्री पिज्जा। तो अब हमने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, उसको हमने दो चीजें पास करनी है। फर्स्ट होगा कि कितने उसके मिनिमम ऑर्डर्स होने चाहिए, और सेकंड पे उसके पास जो पैरामीटर होगा वो ये होगा कि कितने उसकी मिनिमम प्राइस है हर ऑर्डर की, तो उसके मुताबिक उसको आउटपुट शो करनी है कि किसको उसने फ्री पिज्जा देना है। तो अब यहाँ पे जो है, अगर हम देखें 5 और 20 के कोरिस्पॉन्डिंग, तो अब उसने यहाँ पे जो है ना कहा हुआ है कि मिनिमम ऑर्डर्स उसने 5 प्लेस करने हैं। तो बैटमैन ने भी 8 ऑर्डर्स किए हुए हैं, इसका मतलब है कि ये रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो गई। अब उसने देखना है कि क्या उसके पास 5 ऑर्डर्स ऐसे हैं जिसकी 20 ही प्राइस आ रही है, 20 प्राइस के हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं तो 20 से ऊपर वाले जितने भी प्राइस हैं, मिनिमम ऑर्डर जो है वो 20 का होना चाहिए। तो यहाँ पे 22 पे भी हमारे पास ठीक है, 30 पे भी ठीक है, इसका मतलब अभी तक 2 ऑर्डर्स हमारे पास काउंट हो चुके हैं, हमने टोटल 5 ऑर्डर्स देखने हैं। अब हमारे पास 20 से ऊपर जो है वो यहाँ पे आके 52 आता है, और फिर 27 आता है, तो टोटल हमारे पास 4 ऑर्डर्स ऐसे हैं जो 20 से ऊपर हैं। बाकी सारे ऑर्डर्स जो हैं वो 20 से कम प्राइस थी, इसलिए हमने इस कस्टमर को जो था वो फ्री पिज्जा नहीं दिया। अब सेकंड पे देखते हैं स्पाइडरमैन का, उसने कहा है कि देखना हमने कि उसने 5 ऑर्डर्स प्लेस किए हैं और हर ऑर्डर जो है वो उसकी 20 से इक्वल या उससे ऊपर प्राइस है, तो उसने जो है वो टोटल 10 ऑर्डर्स किए हैं, तो ठीक है, पहली कंडीशन हमारे पास सही हो गई। अब हमने उसके अंदर देखना है कि जो ऑर्डर्स उसने प्लेस किए उनकी प्राइस क्या आपके पास 20 से ऊपर है। तो यहाँ पे पहले 30, फिर 33, फिर 40, फिर 22, 26, ये टोटल 5 आपके पास हो गए हैं, और ये जो है 6 पे भी आपके पास आ गया है, तो उसके जो है ना 5 से ज्यादा ऑर्डर्स जो है ना वो 20 की प्राइस से ज्यादा हैं, तो इसलिए उसने कह दिया है कि स्पाइडरमैन को जो है आपके पास फ्री पिज्जा मिलेगा। और इसी तरह जो हमारे पास सेकंड टेस्ट केस है, उसके अंदर उसने जो है वो कहा है कि मिनिमम 3 ऑर्डर्स होने चाहिए और उसकी प्राइस जो है वो आपके पास 10 हो, मिनिमम जो है वो 10 प्राइस हो। तो अब यहाँ पे देखें कि उसने जो है बैटमैन ने भी टोटल 8 ऑर्डर्स दिए हुए हैं, हमने देखना है 3 की प्राइस जो है वो अगर 10 है या 10 से कम है तो वो हमने काउंट कर लेने हैं। तो ये सारे के सारे जो है ना तकरीबन हमारे पास 10 से ज्यादा के ही ऑर्डर हैं, तो इसलिए उसने बैटमैन को भी फ्री पिज्जा दे दिया और स्पाइडरमैन को भी उसने जो है वो फ्री पिज्जा दे दिया। तो अब हम जो है ना कोर्ट की तरफ आते हैं। तो अब ये देखें कि हमने सबसे पहला काम क्या होगा, हम अपनी फाइल को रीड करेंगे, उसमें से सबसे पहले हमें नाम गेट करना है, और नाम के बाद हमने जो है ना उसका जो हारी होगी हमारे पास स्पेस के बाद वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे जो उसने किए होंगे, फिर उसके बाद जो प्राइस है वो हमारे पास कॉमा की बेस पे सेपरेटेड है, और उससे पहले और उसके बाद में हमारे पास एक स्टार्टिंग और क्लोजिंग हमारे पास ब्रैकेट है। तो अब हमने क्या करना है, एक नाम गेट करना है, फिर हमने उसके जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं वो गेट करने हैं, फिर हमने जो है जितने उसने ऑर्डर्स की प्राइसेस हैं वो गेट करने के बाद उनको सेपरेट करना है, और हर एक के साथ हमने चेक करना है। तो अब इस प्रॉब्लम को हम इस तरह अप्रोच करेंगे कि हम जो है ना अपने पास ये हमें पता है कि हम स्ट्रिंग को रीड कर सकते हैं, तो पहले जो भी हमारे पास स्पेस से पहले वाला नाम होगा वो आ जाएगा एक नाम के अंदर, फिर हम अगर एक इंटीजर रीड करें तो हमारे पास इंटीजर में भी वैल्यू आ जाएगी। फिर हमारे पास सिर्फ जो प्रॉब्लम आएगी वो ये है कि हमने जो उसने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं हर एक की इंडिविजुअल प्राइस जो है ना वो निकालने में हमें थोड़ी सी मुश्किल होगी। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है ना वो अपना जिस तरह हमने पार्स डेटा का फंक्शन पढ़ा है उस फंक्शन को ऑब्वियसली हमें कॉल करना पड़ेगा, हमें इसका हर एक एक इंटीजर जो है वो सेपरेट आउट करना पड़ेगा। तो हम जो है ना अब कोड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम अपना फंक्शन लिखते हैं जो उसने कहा है, पिज्जा पॉइंट्स के नाम से फंक्शन बनाते हैं और उसको 2 इंटीजर जो है वो हम पास करते हैं, एक जो है वो हमारे पास मिनिमम ऑर्डर्स होंगे और दूसरा जो है उसकी मिनिमम प्राइस होगी। ये हमने जो है वो पहले से अपने पास वही सेम डाटा फाइल के अंदर सेव किया हुआ है, ठीक है। तो अब जो है ना हम ये हमारे पास उसी फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है जिसके अंदर हमारी सीपीपी फाइल है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, void टाइप का हमारा फंक्शन होगा, उस फंक्शन का नाम है पिज्जा पॉइंट्स, उसके बाद उसके अंदर हमारे पास 2 जो हैं वो पैरामीटर्स आ रहे हैं, एक इंटीजर टाइप का है
उसके अंदर हमारे पास आ रहा है टोटल जो हमारे पास ऑर्डर्स हैं, लेट्स से हम उसको ऑर्डर कह लेते हैं, जो मिनिमम ऑर्डर होगा, और यहाँ पे हमारे पास उसकी प्राइस आ रही है। तो हमने एक ऑर्डर के नाम से और एक प्राइस के नाम से पैरामीटर्स में वैल्यू ले ली। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपनी फाइल को खोलना है और फिर उसके बाद हमें फाइल में से चीजें चेक करनी है। तो अब हम जो है अपना एक एफ स्ट्रीम का वेरिएबल बनाते हैं और हम जो है लेट्स से उसको कह देते हैं माय फाइल के नाम से हमने वेरिएबल बना लिया। अब हमने माय फाइल के थ्रू अपनी फाइल खोलनी है। डॉट ओपन का हमारे पास फंक्शन है, यहाँ पे हमें फर्स्ट पैरामीटर क्या पास करना है, जो कस्टमर्स नाम की फाइल है डॉट txt। ये आप मेक श्योर कर लें कि नाम आपने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, वरना जो है वो हमारे पास कोई एरर भी आ सकता है, वो ओपन नहीं करके देगा वो वाली फाइल, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करती होगी। तो हमारे स्पेलिंग जो है वो हमने एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लिए हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे उसको इन मोड में खोल लेना है, क्योंकि हम सिर्फ फाइल को रीड करना चाहते हैं, हम उसके अंदर राइट नहीं करना चाहते। तो अब हमने अपनी फाइल खोल ली। अब हमने क्या करना है, हमने कहना है कि जब तक हमारे पास वो फाइल एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंच जाती, तब तक हमने इसको रीड करना है फाइल को। तो हम कह देते हैं कि नॉट माई फाइल, और यहाँ पे जो है ना हमारे पास एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंच जाती, तो तब तक हम जो है ना इसको चलाते रहेंगे। तो अब हमने जो है वो फाइल खोल ली अपनी, और हमने कहा कि फाइल जब तक हमारे पास एंड तक नहीं चली जाती, तब तक ये उसको रीड करता रहेगा। अब हमने पता है उसका एग्जैक्टली फॉर्मेट, पता है क्या फॉर्मेट है। सबसे पहला ये है कि हमने स्ट्रिंग रीड करनी है। तो अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर वो हमारे पास सबसे पहला जो एक नाम है वो आ जाए। तो हम यहाँ पे ऊपर जो है वो साथ ही अपने वेरिएबल्स बनाते जाते हैं। एक हमने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया जो कि नेम के नाम से हमने बनाया। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें फाइल के अंदर से डाटा निकालना है, और हमें किसके अंदर स्टोर करना है, हमें नेम के अंदर स्टोर करना है। तो यहाँ से हमारे पास इस फाइल से डाटा आएगा, इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। अगला काम क्या करना है, हमने उसके अंदर से एक इंटीजर वैल्यू गेट करनी है। तो अब उसके लिए जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, तो हम यहाँ पे जो है ना एक और इंट टाइप का अपने पास वेरिएबल बना लेते हैं। इसका नाम जो है वो हम एन अंडरस्कोर ऑर्डर्स कर लेते हैं। तो ये अब हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास फाइल में से ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो अब हमने सेम उसी तरह जिस तरह हमने अपने स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर डाटा राइट करवाया, स्टोर किया था, उसी तरह हम जो है ना अब अपने पास एक इंट वेरिएबल के अंदर डाटा डाल देते हैं। ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब थर्ड पे हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला जो सारा है डाटा ये अपने पास स्टोर करवाना है। तो अब चूंकि हम इसको एक ये हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का ही बनेगा, तो इस सारे डाटा को हम एक अपने पास स्ट्रिंग के अंदर निकाल लेते हैं। उस स्ट्रिंग को जो है वो हम नाम दे देते हैं डाटा का। तो अब जो है ना हमारा स्ट्रिंग का नाम है डाटा। अब हम कहते हैं कि वो माई फाइल के अंदर से जो भी वैल्यू आ गया अगली आ रही है वो सारी की सारी डाटा के अंदर दे दो। तो टोटल यही हमारे पास आ रही थी तीन चीजें। पहला हमने नाम जो है वो नेम के अंदर निकाल लिया, ऑर्डर्स जो है वो नंबर अंडरस्कोर ऑर्डर्स में निकाल लिया, और फिर ये सारा डाटा जो है वो हमने अपने पास डाटा के अंदर निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करनी है, ये इतने डाटा के ऊपर। अब यहाँ पे हमें किस तरह प्रोसेसिंग करनी है, अब हमें इसमें ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ फील्ड्स आ रही हैं हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे देखो कि वो जो है आपके पास 8 आ रहा है, इधर जो है वो आपके पास टोटल 10 फील्ड्स आ रही हैं, ठीक है। तो अब हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, हम ये 8 और 10 की बेस पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो कि अगर हमारे पास नंबर 8 आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर भी 8 एंट्रीज होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंट्रीज हैं, ठीक है। तो अब हमें ये सारी की सारी 8 एंट्रीज जो है ना वो सेपरेट आउट करनी है। तो अब इसका मतलब है कि हमें जो है पार्स डाटा का एक फंक्शन बनाना चाहिए, जो कि हमें यहाँ से सारा का सारा डाटा उसमें से सेपरेट आउट करके दे फील्ड की बेस पे। तो अब हमें जो है ना अपना पार्स डाटा का फंक्शन बनाना है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखें कि इसके अंदर हमारे पास सारा का सारा डाटा हमें इंटीजर में चाहिए है। तो हम जो अपना पार्स डाटा का फंक्शन था वो हमने खुद लिखा हुआ है, हम उसको चेंज कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के मुताबिक। अब हम ऐसा करते हैं कि वो हमें स्ट्रिंग ना रिटर्न करे, वो हमेशा हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करे। तो अब यहाँ पे जो है हम इंट उसकी रिटर्न टाइप लिख देते हैं, पार्स डेटा का फंक्शन बना लेते हैं,
और यहाँ पे हम उसको पास करते हैं स्ट्रिंग। ये होगी हमारे पास डेटा की, पूरा डेटा इसको हमने पास किया और हमने उसको बताया कि कौन सी फील्ड है वो हमने उसको पास किया। तो अब उसने क्या करना है, उसने हमारे पास सिर्फ जो स्पेसिफिक फील्ड होगी उसका डेटा उसने अपने पास स्टोर करके हमें देना है। तो उसी तरह हम करेंगे, एक हमारे पास इंट टाइप का जो है ना वो हमने लेट से कॉमा का बना लिया, कॉमा काउंट का वेरिएबल, उसको हमने शुरू में 1 इनिशलाइज कर दिया। तो उसके बाद हमने जो है ना यहाँ पे अगला जो काम किया वो हमने अपनी एक स्ट्रिंग बना ली, जिस तरह हमने पहले भी सेम नाम रखा हुआ था वही नाम रख लेते हैं, आइटम के नाम से हमने स्ट्रिंग बना ली। अब हमने क्या करना है, हमने फॉर लूप लगाना है, हमने कहना है कि वो शुरू करे हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 0 से पहले हमने शुरू किया था। अब ये देखो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग आ रही है वो ये सारी की सारी आ रही है, फर्स्ट में उसके पास एंगल ब्रैकेट होगी, एक एंड पे उसके पास जो है ना वो ब्रैकेट होगी। तो अब हमें क्या करना है, ये पहली वाली और आखिरी वाली ब्रैकेट को हमें नहीं चाहिए, वो हम उसके बगैर सारे डाटा को प्रोसेस करना चाहिए हमें। तो जो हम x इज इक्वल टू 0 से शुरू कर रहे थे, हम x का इंडेक्स 1 रखते हैं तो वो 22 से शुरू करेगा, उसके बाद आगे तक चलाता रहेगा और जितनी हमारी लेंथ थी उससे एक माइनस 1 तक हम चलाते हैं ताकि हमारे पास जो है ना वो आखिरी वाली ब्रैकेट को भी इग्नोर कर दे और सिर्फ जो डाटा है हम उसी को प्रोसेस कर लें। तो अब यहाँ पे हम उसको 1 से शुरू किया और हम कहते हैं कि x जो है जब तक हमारे पास लेस देन रहता है, अब हमारे पास जो फंक्शन होता है वो उसकी लेंथ काउंट करने का डेटा डॉट लेंथ के नाम से फंक्शन है, ये टोटल हमें लेंथ दे देगा जितनी स्ट्रिंग की लेंथ है और उसमें से हमें जो है वो एक माइनस कर देना है ताकि हम जो है ना उससे एक वैल्यू पीछे तक अपना लूप चलाएं। और ये हमारे पास x में हमने इंक्रीमेंट कर दिया। तो अब ये जो है हमारे पास फॉर लूप चलेगा जो कि हमारे पास डेटा को उसके ऊपर इटरेट करेगा, कितने से डेटा के ऊपर, दोनों एंगल ब्रैकेट्स उसने छोड़ दी, बाकी उसके अंदर वाले हर डेटा पे वो इटरेट करेगा। तो अब जो है हम क्या करते हैं, अगर तो उसको बीच में कोई कॉमा मिल जाए तो वो क्या करे, यहाँ पे उसको अगर इसमें कोई भी कॉमा मिलता है तो हम क्या करेंगे, हम अपने कॉमा काउंट में वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे। और अगर तो हमारे पास else if में लगाते हैं, अगर उसके पास कॉमा काउंट जो है वो इक्वल है हमारी फील्ड के तो तब हम क्या करते हैं, हम अपना जो हमने स्ट्रिंग बनाई हुई है उसके अंदर हम अपने पास ऐड करते जाते हैं, मतलब कंकैटिनेट करते जा रहे हैं हमारे पास एक एक करके सारे के सारे वो जो हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर आ रहे हैं कैरेक्टर्स वो सारे एक एक करके उसके अंदर डालता जाएगा। तो अब हमारे पास अगर तो फील्ड और कॉमा की वैल्यू सेम होगी तो सिर्फ उतना सा डाटा हमें निकाल के दे देगा। तो ये सेम उसी तरह है हमारे पास जिस तरह पहले काम हो रहा था, अगर हम उसको फील्ड 1 पास करेंगे तो वो हमें ये वाला डाटा निकाल के दे देगा, फील्ड 2 पास करेंगे तो ये डाटा निकाल के दे देगा और हमने उसको फील्ड 8 तक जो है ना वो डाटा करना है पास तो वो हमें उतनी जो है ना वो निकाल के देता जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है ना हमने इधर से रिटर्न करवानी होती है अपने पास, जैसे हमारी फॉर लूप खत्म होगी उसके बाद हम यहाँ से रिटर्न करवाना चाहते हैं। तो अब देखें कि हमारे पास चूंकि वो स्ट्रिंग जो है उसके अंदर नंबर ही पड़ा हुआ है तो हम ऐसा कर लेते हैं, अपने पास जो है ना पहले एक इंट वेरिएबल बना लेते हैं जो कि हमारे पास होगा डिजिट के नाम से, हमने उसका नाम रख लिया। अब हम क्या करते हैं, इस डिजिट के अंदर हम स्टोर कर लेते हैं और इसको पहले एस टू आई के फंक्शन को कॉल करते हैं। तो अब जो है ना हम एस टू आई के फंक्शन को कॉल करते हैं और यहाँ पे जो है ना हम आइटम पास करते हैं। तो अब इसके अंदर क्या करेगा, वो हमारे पास आइटम जो है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अब हम वही जो है वो वैल्यू हम अपने पास यहाँ पे रिटर्न करवा लेते हैं, ये हमारे पास डिजिट रिटर्न करके दे देगा। अच्छा जी, तो अब हमने अपना पार्स डाटा का फंक्शन बना लिया है, हम उसको फील्ड पास करेंगे उसके मुताबिक वो हमें उतना सा डाटा रिटर्न कर देगा। तो अब यहाँ पे जो है हमने अपने पास डाटा निकाल लिया हुआ था, अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें उस फंक्शन को बार बार कॉल करनी है और कितनी दफ़ा हमें कॉल करनी है, जितनी दफ़ा हमारे पास नंबर ऑर्डर में वैल्यू आ रही है।
तो अब हम यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं अपने पास। अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें ये फॉर लूप कहाँ से शुरू करनी है, क्योंकि हमने जो है इसी के बेस पे आगे अपने फंक्शन को कॉल करना है बार बार 1, 2, 3 के नाम से। तो चूंकि हमने कहा है कि फील्ड 1 के ऊपर वो हमें रिटर्न करेगा ये वाली चीज, तो इसलिए जो है हमें यहाँ पे x को 1 से शुरू करना है। तो अब यहाँ पे हमने जो है वो x को 1 से शुरू किया और हमने कहा कि x जब तक हमारे पास रहता है लेस देन एंड इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स के, ठीक है। और फिर हम साथ साथ क्या करते जा रहे हैं, x के अंदर इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अपने उसको कॉल करेंगे पार्स डेटा के फंक्शन को, उसको हम पूरी अपनी वो पास करेंगे स्ट्रिंग और उसके साथ हम उसको बताएंगे कौन सा डिजिट जो है वो हमें सेपरेट करके दिखाओ। तो अब यहाँ पे जो है हमने इसको पार्स डेटा को कॉल किया, इसको हमने अपनी पास की यहाँ पे जो डेटा आ रहा था हमारे पास ये डेटा की स्ट्रिंग, और साथ हमने उसको पास किया अपने पास एक्स वेरिएबल जो कि वैल्यूज की हर दफ़ा इटरेशन में चेंज होती रही। तो अब यहाँ पे जो है हम एक अपने पास वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर वो ये वैल्यू स्टोर करेगा। तो हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लिया और वहाँ से जो हमारे पास वैल्यू रिटर्न होगी वो इंट टाइप की है, उसको हमने कहीं पे स्टोर करना है। तो हमने यहाँ पे नंबर अंडरस्कोर प्राइस के नाम से अपने पास वेरिएबल बना लिया। तो इसके अंदर वो हमें पहली प्राइस दे देगा, अगली दफ़ा एक्स की वैल्यू 2 होगी तो दूसरी प्राइस, तीसरी प्राइस, चौथी प्राइस, और वो इस तरह करते करते हमारे पास वो ये वाली सारी टोटल जितनी 8 तक प्राइसेस हैं तो इसके मुताबिक वो 8 प्राइसेस दे देगा, अगले के मुताबिक टोटल 10 प्राइसेस दे देगा। अब हमें कंडीशन लगानी है कि हमारे पास अगर प्राइसेस जो है ना वो ज़्यादा हैं, अब हमें देखना क्या है, हमें देखना है कि अगर उसने नंबर ऑफ ऑर्डर जो हैं वो इस ऑर्डर से ज़्यादा प्लेस किए हुए हैं या उसके इक्वल हैं, तब हमें ये वाला काम करना है डेटा को पार्स करने का। तो इसलिए हम यहीं पे कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो निकाले हैं हमने कस्टमर के वो ग्रेटर हैं या इक्वल हैं हमारे पास ऑर्डर के जो ऊपर से हम अपना पैरामीटर पास कर रहे हैं, अगर उसके वो सेम हैं तो फिर हम यहाँ पे क्या करें, हम अपना अंदर वाला कोड चलाएं, वरना हम अपने अंदर वाला कोड ना चलाएं। तो अगर तो वो हमारे पास सेम होंगे तो सिर्फ हम तब अपना कोड चला रहे हैं। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप लगा के हमने एक एक करके अपना सारा प्राइस निकाल ली। तो अब यहाँ पे हम जो है ना ये वाले सारे कैलकुलेट करेंगे कंडीशन लगा के कि अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ प्राइस है वो हमारे पास ग्रेटर है या इक्वल है जो यूज़र ने ऊपर से बताई है कि कितनी प्राइस मिनिमम होनी चाहिए उससे, तो तब हम क्या करेंगे, अपने पास काउंट करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम अपने पास एक और इंटीजर काउंट के नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, शुरू में उसकी वैल्यू 0 कर देते हैं, यहाँ पे हम जो है उसको काउंट में एक एक ऐड करते जाते हैं। अब हमने वो काउंट करते गए जब हमारे पास उसकी प्राइस जो मिनिमम प्राइस की रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा आ रही थी। अब ये सारा काम हमने कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, सॉरी जो हमारे पास काउंट की वैल्यू है वो अगर हमारे पास आ रही है ग्रेटर देन और इक्वल टू जो हमने मिनिमम ऑर्डर्स जो उसके चाहिए थे, तो ऑर्डर के अंदर वो वैल्यू आ रही है, हमने चेक किया। तो उसके बाद हमने सी आउट करना है जो हमारे पास नाम आ रहा है जो हमने गेट किया है। तो यहाँ पे हम जो है ना वो नेम वेरिएबल के अंदर हमारे पास नेम आ रहा है वो हमने साथ कर दिया, साथ ही हम जो है उसके हैंडल भी दे देते हैं ताकि अगला अगर आए तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे दे दे। तो अब यहाँ पे जो है हमने वो तीनों चीज़ें गेट कर ली, फंक्शन को कॉल कर लिया और हमने यहाँ पे जो है वो वाइल लूप लगाया, और ये वाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक सारे हमारे पास कस्टमर जो है वो रीड नहीं हो जाते फाइल से। अब हमने क्या करना है, अपने पिज़्ज़ा पॉइंट्स का जो फंक्शन है उसको कॉल करना है, मेन में हम उसको कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे हम साथ सी आउट लगा लेते हैं और देख लेते हैं क्या हमारे पास आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे ऑर्डर्स जो हैं वो अपने टेस्ट केसेस के मुताबिक देते हैं, उसने कहा है कि 5 और 20 पे चेक करना है, तो हम यहाँ पे पास करते हैं 5 और इधर पास करते हैं हम 20
और यहाँ पे हम इसको जो है ना वो एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या हमारे पास आउटपुट सही आ रही है। अच्छा अब यहाँ पे देखें हमारे पास रिटर्न टाइप उसकी वॉइड थी, तो हमें जो है उसको सी आउट नहीं करना था, हमें सिर्फ फंक्शन कॉल करनी थी, सी आउट वो खुद ही करके देगा। तो यहाँ पे हमने उसको सेव किया। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास आउटपुट में स्पाइडरमैन लिखा हुआ आ गया है, तो हमारे पास इसका मतलब है कि पहला टेस्ट केस जो है वो सही चल गया है। तो अब हम अगला टेस्ट केस देखते हैं, वो 3 और 10 की बेस पे देखते हैं। तो यहाँ पे उसने कहा है कि अगर आप उसको बताओ कि 3 जो है वो उसका मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं और उसकी हर ऑर्डर की प्राइस 10 होनी चाहिए, तो उसके ऊपर हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों जो है ना वो बैटमैन भी और स्पाइडरमैन दोनों जो है वो आउटपुट में आ गए हैं। तो अब अगर जो है वो हम 5 और 100 दे देते हैं तो हमारे पास आउटपुट में कुछ भी नहीं आना चाहिए। इसको भी एक दफा रन करके देख लेते हैं। तो ये जो है हमारे पास एग्जिट हो गया है, उसने कुछ भी आउटपुट में हमें नहीं दिखाया, वो इसलिए क्योंकि हमारी जो थी कोई भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं हुई थी। तो अब जो है ना यही हमारा जो था कोड था। अब हमने देखिए पार्स डाटा को यूज कर लिया अपनी प्रॉब्लम के मुताबिक, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया है, उसी फंक्शन को जो है वो हमने यूज कर लिया है और अब हम अपने मुताबिक सारे काम कर सकते हैं। तो अब इस तरह आपके पास जितना मर्जी डाटा हो, जितने मर्जी कस्टमर्स हों, वो सारी फाइल को रीड करता जाएगा, वो सारे कस्टमर की आपको लिस्ट दे देगा जिनको आपने पिज्जा फ्री देना है। अब यहाँ पे देखिए आपने सी आउट किया हुआ है, तो अब ये इसकी जगह पे अगर मैं कहूँ कि हमने अगली फाइल के अंदर राइट करवाना है, तो सिंपली आप क्या करोगे, नई फाइल खोलोगे, उसके अंदर जो है नाम सेव कर लोगे, तो वो नाम भी जो है आपके पास परमानेंटली सेव हो जाएंगे। तो यहाँ तक जो था हमारा फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड काम था। होपफुली आप लोगों ने जो है इसको इंजॉय किया होगा, क्योंकि अब जो है ना हमारे पास काफ़ी चीज़ें जेनेरिक हो गई हुई हैं, डाटा हमारे पास परमानेंटली सेव रहेगा। हमने फंक्शन बनाना देख लिया है जो कि हमारे पास कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट पड़ा हो तो उसको कैसे रीड करेगा। तो अब आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप जो है ना वो बेस्ट प्रोग्रामर बन सकते हैं। उसके बगैर जो है ना वो आपके पास सिर्फ देखने से कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। तो इसी तरह हम नेक्स्ट वीक में आप 2D अरेज के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तो आप हमारे जो है वो वीडियोस को लाजमी देखिए और हमारे साथ ट्यून इन रहिए, ताकि जो है आपको नेक्स्ट वीडियोस भी साथ साथ मिलती रहे।